के रखे थे एंड मैंने उसे ऐड कर दिया है कढ़ाई में एंड अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे लगभग गोल्डन होने तक इसे पकाएंगे हम और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1 स्लाइस कटा हुआ ऑनियन और ऑनियन को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो प्याज है वो अच्छे से कुक हो जाए और जल्दी थोड़ा कुक हो जाए और प्याज को हम अच्छे से यूँ ही इसे चलाते रहेंगे और फिर थोड़ी देर में हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम मैंने यहाँ स्लाइस करके रखा था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे मिक्स करेंगे और फिर 2 मिनट तक इसे हम ढक देंगे और यहाँ मैंने इस पर लिड लगा दिया है और इसे 2 मिनट तक रखेंगे। फिर उसके बाद हम रीचेक करेंगे और हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज। कैबेज को मैंने यहाँ रखी चॉप करके रखा था और ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे थोड़ी देर से पकने देंगे और लेट लगा देंगे ताकि ये भी अच्छे से निकल जाए और फिर लेट हटा के देंगे एंड उसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड यहाँ मैंने चिंग चाइनीज फ्राइड राइस मसाला लिया है जो 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया है एंड 1 टीस्पून मैंने टोमेटो केचप ऐड किया है। इसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें कोट हो जाए एंड इसे 1 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। 1 से या 2 मिनट के लिए आप ढक सकते हैं ताकि ये अच्छे से मसाले पक जाएं और फिर इसे चेक करेंगे हम कि मसाला अच्छे से पक गया है या नहीं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे इसमें राइस और इसे राइस को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए ये कितना ही अच्छा कलर आया है मिक्स करने के बाद और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है एंड बहुत इंस्टेंटली बन जाता है। तो आप सभी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझसे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा एंड जो नए व्यूवर्स आते हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नई रेसिपीज़ आते हैं। बाय।